Namaste to all the students. I am Bhavna Verma, assistant professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology in the Faculty of Opinion. So today we discuss on our topic that is implementation of ERP. ERP हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है कि कैसे किस तरह से मैनेजमेंट करने काम आ रहा है, सॉफ्टवेयर बेस्ड एक अप्रोच हम लोग काम में ले रहे हैं, ठीक है। अब है कि भाई ERP आप यूज तो ले रहे हो लेकिन उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करें अगर आप ERP में इम्प्लीमेंट करते हैं तो, ठीक है। जैसे आप कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, कुछ चीजें कस्टमाइज करिए, ताकि तब तो आपका बेनिफिट होगा ERP यूज करने का, अदरवाइज ERP यूज करने का ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको, ठीक है। तो पूरा पूरा सिस्टमाइज और प्लान वे में आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर मिलता है, आपकी मैन पावर रिड्यूस होती है, आपका काम बहुत ज्यादा मैनेज रहता है, ठीक है। तो देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP, इफ योर कंपनी लाइक्स एवरी अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दीस डेज इज इन्फ्लिक्टेड विद द अनवांटेड चार्ज ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज एंड मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटीज, यू आर डेफिनेटली नीड ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सोल्यूशन दैट सर्व एज अ सिस्टमैटिक डिजाइन फॉर कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ पॉजिटिव आउटपुट्स। तो देखो वही बात कि अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, तो आपको ऑफकोर्स सी बात है आपको ERP का सॉफ्टवेयर चाहिए, एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सोल्यूशन चाहिए, ताकि आप सिस्टम अपना उस अकॉर्डिंग डिजाइन कर सको और बहुत टाइम वे में बजट के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, जैसे नेक्स्ट में आप ये देख सकते हैं कि अब हम लोगों के पास क्या है, तो बहुत ज्यादा आपके पास अब जरूरी होगा कि एक आपके पास आइडियल ERP सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि आप फॉर यू नीड आइडियल ERP सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट एंटरप्रेन्योर दैट फर्स्ट मूव लीड्स टू द वॉर बॉन्ड, मतलब आपको क्या चाहिए अब इस टाइम पे जरूरी है ERP सॉफ्टवेयर का आप यूज करें, जितना आप यूज करेंगे, जितना आप कस्टमाइज मैनेज कर सकेंगे उतना आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि एंटरप्राइज वर्ल्ड एक ऐसा है जहाँ पे आपने जितनी जल्दी अपनी साख बना ली उतनी जल्दी आप क्या प्रॉफिट को गेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों के पास बहुत सारे ERP सॉल्यूशंस हैं, जैसे कस्टमर बिल्ड और क्लाउड बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है ना, या तो कस्टमर बिल्ड है या क्लाउड बेस्ड इंडस्ट्री है वो आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं और कस्टमाइज क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप कोई भी आप चीज यूज ले लेकिन आप अपनी अकॉर्डिंग क्या है कस्टमाइज कर सकते हैं या कोई क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है वो आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें किस पे बेस्ड ऑन योर कंपनीज स्पेसिफिक नीड, यू मस्ट पिक द राइट सॉल्यूशन। आपको लग रहा है आपकी कंपनी के लिए क्या चीज सही है तो उस अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लो, आपको लगता है क्लाउड तो क्लाउड, आपको लगता है सेल्फ तो सेल्फ, ठीक है। अब ये कुछ है आर फाइव स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP। अब पांच स्टेप को आप फॉलो कर लो तो मोस्टली हम कह सकते हैं कि आपका ERP जो सोल्यूशन है वो सक्सेसफुली से इम्प्लीमेंट हो सकता है, आपको रिजल्ट दे सकता है। जैसे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, व्हाट वी नीड टू, व्हाई डू वी नीड ERP इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट डू वी नीड फॉर ERP इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप पहले पता करिए कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इसलिए हमें ERP का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आप यू कैन इजीली स्ट्रीमलाइन योर बिजनेस प्रोसेसेस फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड एलिमिनेट सेवरल रिपीटेटिव प्रोसेसेस पर्टिकुलरली विद द रोल ऑफ क्लाउड ERP इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज सोरिंग हाई, मतलब आपको पहले पता करना चाहिए कि आपका बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या नीड है, ठीक है ना, और कौन सी ऐसी चीजें जो आप बार बार करते जा रहे हो, कौन सी चीजें हैं जिनको आपने स्टार्ट तक नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा रिपीटेटिव टास्क को आप स्टॉप करें, है ना, देखें आपका अगर आपका जो काम है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो देखो ग्रेटर वर्क एफिशिएंसी हैज बिकम डिजायरेबल एंड मोर अचीवेबल विथ एन ऑन क्लाउड ERP सॉफ्टवेयर। तो आप अच्छा काम ढंग से आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी वर्क एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड की जा सकती है तब अगर आप क्लाउड बेस्ड ERP सॉफ्टवेयर का यूज लेते हैं तो, क्योंकि क्लाउड बेस्ड के लेने से क्या आपका जो मैनेजमेंट का काम है वो सारा सारा क्या है क्लाउड पे जाएगा। So does your enterprise resource planning solution greatly reduces the traditional practically practice of manually keeping the track of information? अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने ERP का यूज ले लिया है तो आप जो काम मैनुअली हैंडल कर रहे थे वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, थोड़ा जल्दी होगा, थोड़ा और एफिशिएंटली वे में होगा। स्मार्टर इवैल्यूएशन ऑफ द स्कोप, आप अपने पता करिए आपकी कंपनी का रिक्वायरमेंट कहाँ तक है, क्या उसका स्कोप है, और उस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग आपका कंपनी का काम उस अकॉर्डिंग काम मिले, ठीक है। इफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेली ऑपरेशंस हैविंग बिजनेस फाइनेंशियल कंट्रोल एंड सपोर्ट कॉमन प्रोसेसेस हैव बीन द कंसर्न फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द फीचर्स ऑफ ERP मस्ट बी इवैल्यूएटेड कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो आपके ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पहले आपके ऑपरेशंस में कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और किस तरह आपका फाइनेंशियल जो है कंट्रोल हो रहा है,
किस तरह आपका सपोर्टिंग सिस्टम है वो पीछे से काम कर रहा है, और ये सारी सारी चीजें नीड जो है कंपनी के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो द फीचर्स ऑफ ईआरपी मस्ट बी इवैल्यूएटेड कंसीडरिंग द नीड ऑफ कंपनी। तो आपकी कंपनी क्या नीड है उस अकॉर्डिंग ईआरपी का सोल्यूशन आप यूज करें। जैसे हमने देखा है स्टडी कहती है कि 61.1% है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन जब आप करने लगे हो तो उसने ज्यादा टाइम ले लिया है, और 74.1% जो ईआरपी आप यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट्स के लिए उनका बजट जो एक्सीड हो गया। तो इस टाइम पे क्या है ईआरपी यूज करने का फायदा ज्यादा नहीं हो पाएगा अगर इसी सिचुएशन में आप लोग भी आ रहे हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डाटा माइग्रेशन। अब देखो देखो बेसिकली ईआरपी एनहांसेस द वे द बिजनेस प्रोसेस आर अर्लियर कैरिड आउट। गार्टनर रिकमेंड्स 15% बजट इन ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट नाउ व्हिच इज 5%। मतलब देखो डाटा माइग्रेशन, पहले कौन सा डाटा आप किसके थ्रू काम करवा रहे थे, मैन्युअली करवा रहे थे या नहीं करवा रहे थे, ठीक है। अब क्या है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चले, जिसके अंदर हम बात करते हैं ईआरपी के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है, तो आपका क्या है मतलब हमने देखा है कि अगर आप ढंग से काम करवाते हैं आपको पता है कौन से टास्क किस तरह से डिवाइड कर लिए, ठीक है। तो आप कम से कम अपने बजट के ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चले तो आप अपने बजट के अंदर 15 से लेकर 5% तक की जो आपका बजट जा रहा था उसमें आप रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉलोड बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच डाटा इज नेसेसरी टू ट्रांसफर। तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा डाटा है मुझे ट्रांसफर करना है वहां पे, ठीक है। तो डाटा माइग्रेशन एक बहुत अच्छा सा एक स्टेप है जिसके अंदर ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो डाटा सिक्योर्ड एंड इंश्योर दैट डाटा इज इजीली रिट्राइव्ड व्हेन रिक्वायर्ड। लेकिन डाटा माइग्रेशन करने में ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप डाटा जब भी फिर वापस लेना चाहें तो आप ले सकें। नेक्स्ट आपको कस्टमाइज सर्विस, ठीक है। अब ये देखो हम पहले बहुत सारा काम जो है लेबर सेंट्रिक मैनेजमेंट अप्रोच से चलता था, लेकिन उसकी जगह आजकल हम ईआरपी यूज करने लगे स्पेशली किन टास्क के लिए, जब हम बात करते हैं नाउ यूजिंग ईआरपी विद विल मीन यू दैट इवेंचुअली ऑटोमेट द वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग। अब कौन सा ऑपरेशन जो ईआरपी के थ्रू हम करवा सकते हैं, परचेज मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विस, ऑर्डर ट्रैकिंग एसेट्रा, ठीक है। तो क्या है मैनुअल बेस्ड अप्रोच रिड्यूस हो जाएगी, पेपर बेस्ड अप्रोच रिड्यूस हो जाएगी और सारा प्लेटफॉर्म डिजिटाइज हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी कस्टमाइज सर्विस की हमें पता होना चाहिए कौन सी सर्विस को हम ईआरपी पे डाल रहे हैं कौन सी को नहीं डाल रहे, ठीक है। टेस्टिंग, अब देखो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट फेज, ठीक है। टेस्टिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मैं काम ऐसे कर रही हूँ, इस सॉफ्टवेयर पे कर रही हूँ तो मेरा काम जो है बिना बग के, बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से उस टेस्ट को क्लियर कर ले ताकि वो फ्यूचर में आराम से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। सो जो यू वुड वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई टी टीम इज ट्रेन्ड वेल एज इनफ टू हैंडल एनी टेक प्रॉब्लम दैट मे कम अलॉन्ग विद द टाइम इवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो आपकी आई टी इंडस्ट्री इस तरह से अच्छी वेल डिफाइन होनी चाहिए कि वो कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके और टाइमली एक पर्टिकुलर अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते हुए टाइमली अपना काम कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो एआरपी इंप्लीमेंट करने के टाइम पे आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो सक्सेस तो आप डेफिनेटली अपने बिजनेस में सक्सेसफुल ग्रोथ आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये था मेरा आज का सेशन। आई होप you don't have any query. If you have any query, mention in the comment box and the session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.